असुरन पोखरा पर बने मधुसूदन कॉलोनी के नागरिकों ने शनिवार को भूमि मालिक के साथ एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल से मुलाकात की और तहसील सदर के सभागार में बैठक कर एसडीएम सदर को अपनी बातों से अवगत कराया। इस दौरान भूमि के मालिक ऋषभ जैन के पुत्र ने एसडीएम सदर को तहसील सदर में ही दो स्थानों पर जमीन के कागजात दिखाए और कहा कि 2010 के हलफनामे का पूर्णतया पालन किया जाएगा, जिस पर एसडीएम सदर ने ऋषभ जैन के पुत्रों द्वारा दिए गए जमीन के कागजों की जांच कराकर उन्हें पुनः अवगत कराने का आश्वासन दिया। एसडीएम सदर ने कहा कि 29 जनवरी तक हर हाल में 2010 के आदेशों का पालन कराया जाएगा, इसमें कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। उन्होंने कॉलोनी वासियों को आश्वस्त किया कि घबराने की कोई बात नहीं है, निष्कर्ष जल्द ही सामने आएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसडीएम सदर आईएस गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, ये सर ये तो हमारी अपनी फैमिली की है। ये देखिए आप, ये तो इसमें तो जगह भी नहीं है, तो वही एक इसमें एक दो ऑप्शन करना है उसको और बचा देंगे। इसे किसी को लगा दीजिए, सुपोर्ट कर दिए उनको, हम देखिए हम अपना चेक करा लें। शहर में है जमीन है जी? ये शहर खाली है? खाली है। अरे ये शहर में फर्टिलाइजर भी चेक कर पाएगा। ठीक है, ये लिख दे रहे हैं आप, ये प्रपोजल दे रहे हैं। ये हमारी फैमिली थी। ओके, नहीं नहीं आपके पास है ना? हाँ हमारी है। तो मैं जब तक बुक करा लेते हैं रिकॉर्ड है तो हम आपको दे आपके ये और ले लो, एक फाइल बना लो, फाइल कर देना दोनों, इसकी इंक्वायरी कर देना जमीन की क्या है, इंक्वायरी कर लो। कल तक जब ये लेके आएंगे ना, कल ही ठीक है, जो भी रहेगा आप इंक्वायरी कर लीजिए, देख लीजिए फोटोज के साथ, और उसमें फिर इसकी हर एक की आख्या लगा दीजिए, ऐसा ना हो कहीं जमीन ऐसी हो कि जिसको हम यूज ना कर सकें। इनके नोटरी मेयर विवादित भूमि के बराबर भूमि ये सब कह रहे हैं कि नहीं, हमारा 1359 के बाद 1362 में 264 है, तो हम 264 जमीन देखिए 2010 का चाहते हैं आप जी? मैं तो मैंने कल बताया था सर 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 आपसे भी ना जी सर। देखो अब मैं आपसे नए फैक्ट्स मैं आपसे लूंगा नहीं, नए फैक्ट मैं आपको दूंगा नहीं जी। अभी पहले मैं 2010 का जो कमिश्नर सर का आदेश है उसका पहुंचा सर 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 है आप देख लीजिएगा कोई तरह की घटना घटने वाली नहीं है सर, और ऐसे कोई परेशानी हो गए तो कह रहे हैं आप जैसे सर 24 तारीख का डेट देखिए, इससे घबरा रहा है 29 तारीख तक कह दिया है, एक बार ये पर और दे देते हैं प्रपोजल, उसमें हम दिखवा लेते हैं जमीन, तो 29 तारीख तक हमारे पास टाइम है, तो हम बैठ सकते हैं अभी इसके पास है, हम इनको सब दे देते हैं। देखिए असुरन पोखरे पे जो तत्कालीन कमिश्नर सर पी के मोहंती सर 2010 का एक आदेश था, उसमें विस्तृत आदेश उन्होंने दिया है, जिसमें जो कब्जा था और जो विवादित भूमि थी उसके बराबर भूमि देने का निर्देश दिया गया था, और जो जमींदार थे उन्होंने एक हलफनामा दिया था, एक शपथ पत्र दिया था कि इतनी ज़मीन वो देंगे। तो असुरन पोखरे जो मधुसूदन नगर के नाम से अब जाना जाता है, बेसिकली उसमें जो अवैध कब्जे करके और निर्माण कर लिए, तो वहाँ के सब निवासी आए थे, तो उनका भी कहना है कि सर पहले 2010 में जब आदेश हुआ था तो हम सब कॉलोनी वासियों ने इनको बताया था और जमींदार ने हमें बताया था कि हमने ज़मीन दे दी है, लेकिन जब बाद में संज्ञान में आया कि ज़मीन दी नहीं गई है, तो इनका भी कहना है कि सर 2010 के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करा लें ताकि हम लोग भी परेशान ना हों। तो हमने भी इनको बोला है कि 2010 का जो आदेश है उधर अभी हमारा
पर्पस जो है वो 2010 के आदेश का अनुपालन कराना है, जिसके मार्फत आपको एक ज़मीन या पैसा जमा कराना था राजकोष में या फिर ज़मीन देनी थी। तो आज जो ज़मींदार थे वो दो ज़मीनों की प्रपोजल लेके आए थे कि सर हम रेडी हैं, दो ज़मीन देने हैं, तो उन ज़मीनों की पहले हम जांच पड़ताल कर लेंगे, अगर वो हम सूटेबल पाई गई, तहसील सदर क्षेत्र में ज़मीनें देनी है, अगर वो सूटेबल पाई गई तो वो प्रस्ताव हम स्वीकार करके 2010 के आदेश का अनुपालन कर लिया जाएगा। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम होगा गोरखपुर के इतिहास में कि इस तरीके से तालाब की भूमियों का संरक्षण और संवर्धन के लिए जो जिला प्रशासन प्रयासरत है और जो शासन से भी दिशा निर्देश प्राप्त होते रहते हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय NGT के निर्देश भी प्राप्त होते रहते हैं, तो गोरखपुर शहर में तालाबों के संरक्षण में बहुत बड़ा कदम होगा अगर ये प्रस्ताव, अगर हमें प्रस्ताव अच्छा मिल जाता है और इस प्रस्ताव के अनुरूप हम एक तालाब जो पूरा जीर्ण शीर्ण होकर जिसको अवैध रूप से पाट लिया गया था उसके मार्फत हमें एक नया तालाब के रूप में मिल जाए तो ये अच्छा एक कदम होगा। लेकिन उसके लिए अभी हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हमने इसको 29 तारीख तक का समय दिया है, 29 तारीख तक ये अपना प्रस्ताव दे दें, ज़मीन का ऑप्शन बता दें, उन ज़मीनों की पड़ताल करके हम ये पता कर पाएँ कि क्या वास्तव में वो ज़मीनें उस लायक हैं या नहीं। तो ये भी तो आज भी ये लोग आए थे सभी मधुसूदन नगर के जो निवासी हैं, उनका भी कहना ये था कि सर इनसे लिया जाना आवश्यक है ताकि ये मैटर सदा सदा के लिए हो जाए। वो लोग भी काफ़ी चाहते हैं इसको कि 2010 में जो आदेश हुआ था उसका अनुपालन किया जाना चाहिए। तो आज ज़मींदार भी आए थे तो उनको भी हमने बता दिया है कि इसका आप अनुपालन जल्दी से जल्दी सुनिश्चित करा लें, 29 तारीख तक आपके पास टाइम है। तो हमें लग रहा है कि इसका फैसला कुछ हो जाएगा अच्छा, और ये अच्छा एक नई नवोन्मेष मतलब एक तरीके से नवाचार तरीके का एक पहल है, और अगर देखते हैं आगे क्या किस तरीके का ये रूप लेता है। लेकिन अभी हमें ऐसा लग रहा है कि वो प्रस्ताव दे रहे हैं और भी शायद 2-3 कल और बोला है उन्होंने कल भी और देंगे, तो उनमें से कोई एक प्रस्ताव को हम स्वीकार कर सकते हैं। सर 2010 के बाद जो भी वहाँ मकान बने हुआ उसके लिए देखिए, अभी तो हमारा पूरा पर्पज़, हमारा पूरा उद्देश्य इस पूरी लड़ाई का जैसे ही है कि हम 2010 के जो आदेश का पहले अनुपालन कराएं। 2010 के बाद के जितने भी वहाँ मकान बने हैं, जितने भी नक्शे पास हुए हैं, तो ये तो हम कहेंगे कि 2010 में जब इतना विस्तृत आदेश था कि इसमें अब अवैध निर्माण नहीं होना है, अवैध रूप से नक्शे पास नहीं होने, उसके बाद भी अगर नक्शे पास हुए या फिर निर्माण हुआ तो उस पर हम एक अलग से विस्तृत कमेटी बना के उसकी जाँच करके कमिश्नर सर को अवगत कराएंगे। लेकिन अभी हमारा पहला उद्देश्य यही कि 2010 का जो आदेश है उसका अनुपालन कराएं ताकि एक रूप में हम एक तालाब के रूप में एक किसी ज़मीन को हम संवर्धित कर पाएं, जो कि जल भराव की समस्या जिससे गोरखपुरवासी पीड़ित रहते हैं उसका भी हम समाधान की दिशा में आगे कदम बढ़ा सकें।